तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से लोबिया की सब्जी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और 1 कप लोबिया ले लिया, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, जिसे बारीक कट कर लिया है, और एक छोटा सा टमाटर, इसे भी कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसमें मैं 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 विसल आने तक हम इसे बॉईल कर लेंगे। और अब 2 विसल हो चुके हैं, हम लोबिया को चेक कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे पैन पे 1 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, और अब हम इसे 1 टेबल स्पून सरसों डाल देंगे। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून सांभर पाउडर। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर डाल रही हूँ, जिससे हमारा ग्रेवी जो है थोड़ा थिक बनेगा। और अब हम इसे 10 to 20 सेकेंड्स के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे मिक्स करते हुए। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसमें बॉईल किए हुए लोबिया को इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए ढक के पकने देंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। और अब हमारा लोबिया की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।